डीडीसी के अधिकारी भी वहां पर ऋषभ पंत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं इस हादसे को लेकर, ऋषभ पंत की चोट को लेकर आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुनिए। दिन मैक्स में यहां देहरादून में ही ट्रीटमेंट चलेगा और आप भी कॉन्फिडेंट हैं? सर मुझे आगे का तो नहीं पता कितने दिन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पर अभी वो ठीक है, यहीं है। रिकवरी हो रही है, अच्छे से रिकवरी अच्छे से हो रही है। ही स्माइलिंग एंड गॉड इज काइंड एंड ग्रेसफुल। सर इस सब ने कुछ बताया कि एक्सीडेंट के क्या कारण रहे, कुछ आपकी बात हुई ऐसे? देखो रात का टाइम था, कहता कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था, देख गड्ढा सा कुछ दिख गया था। फैमिली मेंबर से माता जी से बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से कहीं ले जा सकते हैं, उनकी कुछ ऐसी इच्छा है? नहीं, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, डॉक्टर्स टच में है, हमारे बीसीसीआई के डॉक्टर्स भी टच में है इनसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उनके कंसेप्ट क्लियर है। लिगमेंट में है, नहीं उसका अभी नहीं छड़ा। सर ये हुआ था कि टोग की और नी की MRI नहीं हो पाई थी कल, तो वो आज होगी, कब होगी, कुछ इसके ऊपर बात हुई आपकी? नहीं अभी नहीं बात। MRI स्कैनिंग कब होगी नी की? वो बता देंगे आपको, बीसीसीआई की, ये बीसीसीआई को बताएंगे, बीसीसीआई आपको बता देंगे। सर्जरी भी परफॉर्म की गई है सर? प्लास्टिक सर्जरी भी यहाँ पे था थोड़ा सा कट मार्क्स, वो हो गई सर्जरी? हाँ सर्जरी हो गई है वो कल हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, बीसीसीआई विल टेक ए डिसीजन, जी शाह जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, रोहन जेटली खुद देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट। मदर से मिला था, मदर मदर को सिर्फ ये चाहिए कि डॉक्टर अच्छे हों उनको, वो नहीं, मैंने अभी मदर है जिनके बच्चे का एक्सीडेंट। चलिए अब हम देहरादून का रुख करते हैं, वहां से अंकित शर्मा हमारे रिपोर्टर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अंकित इस वक्त क्या आपके पास जानकारी है, ऋषभ की हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन कौन उनसे मिलने पहुंचा हुआ है, और साथ ही फॉरेंसिक टीम के बारे में भी अपडेट आपसे चाहेंगे, क्या वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जांच करने के लिए? फॉरेंसिक टीम अभी कुछ ही देर में पहुंच रही है, जो घटनास्थल है वहां पे जो गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हुई थी और जो वहां पर गाड़ी के टुकड़े जहां पर मिले थे, वो उस पूरे क्षेत्र को जो है फॉरेंसिक टीम जांचेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके साथ ही यहां पे मैक्स हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहां पर अभी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के जो डायरेक्टर हैं श्याम सुंदर शर्मा, उनके साथ और एक मेडिकल टीम भी आई थी और उनकी ऋषभ पंत की मदर से बात हुई थी और उनकी फैमिली से बात करने के बाद मैक्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में पूरा ब्यौरा दिया गया कि जो ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, क्या दवाइयां दी जा रही हैं, क्या टेस्ट वगैरह हुए हैं, और MRI को लेकर जो संशय उठ रहा था तो MRI अभी ऋषभ पंत का होना है, उनके एंकल में और उनके घुटने में जो चोट है उसको लेकर MRI होगा, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि ऋषभ के जो दर्द है उसकी वजह से MRI नहीं हुआ है। और आपको दिखाते हैं इस समय यहाँ पर काफी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी देखी जा सकती है किस तरीके से आमजन को जो है इस दरवाजे से जिससे DCA दाखिल हुआ था वहां से आने जाने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो इंडियन क्रिकेट स्टार है, उसके साथ साथ वो एक शख्सियत हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि DCA ने कहा है कि अभी वो सेटिस्फाइड है और सेटिस्फाइड है और जो इलाज उनका यहाँ चल रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है उमेश कुमार जो विधायक हैं जो आए थे ऋषभ को देखने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उमेश जी आपने ऋषभ से मिले? ठीक है अंकित, ठीक है अंकित, आप नजर बना कर रखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी के